हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। कुरुक्षेत्र जिले में लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। विकसित भारत के लिए काम करने का लिया संकल्प। लाभार्थियों ने सीएम मनोहर और पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के रावगढ़ में विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा में थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि समाज का अंतिम और वंचित व्यक्ति खुशहाल बने, जिसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। यात्रा के जरिए गरीब और पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों और पिछड़ों को बराबरी का हक दिया है, उससे सभी के दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और बढ़ा है। रावगढ़ गांव ऐसा गांव, यहां के लोग ना तो कोई सिगरेट पीते ना शराब पीते, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं यहां के सरपंच नौरंग जी का धन्यवाद करूंगा, बड़ा इंटरेस्ट लेके एक एक से के साथ बैठकर किस प्रकार से इन्होंने बीपीएल कार्ड बनाए। आज 90% जो बीपीएल परिवारों के हैं वो बन चुके हैं यहाँ पर, चाहे वो चिरायु कार्ड थे चाहे पेंशन के। फिर भी मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, गांव का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, जो जिसको लाभ मिलना चाहिए अंतिम तक उसको मिलना चाहिए। उसके लिए मगर जो बेनिफिशियरी है गरीब आदमी, उसको मिलना ही मिलना चाहिए। समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को साल 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। जन संवाद यात्रा के दौरान विधायक सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों की समस्याएं भी सुनी। उसके लिए मैंने कहा है, उसके लिए आज कुछ ज्यादा नहीं, कुछ लोग मेरे पास आए थे, बहुत कम से आई है, मैंने सबकी सुन ली है और उन पर पूरा एक्शन लगे। मैंने अधिकारियों को भी आज कहा है कि आप समझ लिए यहाँ पर जो भी आता है उसको बिल्कुल कार्य को खत्म करके जाए, कि उसको पेंडिंग मत करे, साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का विजन है कि घर घर जाकर, इसके बाद नहीं कि आज हमने कैंप लगा दिया है, इसके बाद भी हमने छोटी गाड़ी का इंतजाम भी करा अपना, हम तब भी घर घर में जाएंगे और जब तक लास्ट अंतिम तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार से चलते जाएंगे। और गांव मेरा रावगढ़ है और मुझे मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया है, सुधा जी का धन्यवाद। मैं गांव रावगढ़ से हूँ, मुझे फ्री में गैस कनेक्शन मिला है, मैं इसके लिए सुभाष सुधा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अंबाला की डेहरी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा। कैंप में लाभार्थियों को दिए गैस कनेक्शन। वंचित लोगों को लाभ पहुंचा रही हरियाणा सरकार। तेजी से आगे बढ़ती हुई मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में लखानी धर्मशाला पहुंची, जहां लोगों ने सरकार की योजनाओं के तहत अपनी समस्या का समाधान कराया और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। बीजेपी पार्षद मनोज नस्पा का कहना है कि वार्ड 11 में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों ने जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मोदी जी की जो ये भारत विकास संकल्प यात्रा है, ये यहाँ हमारे क्षेत्र में आई हुई है, तो यहाँ काफ़ी लोग अपने यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं और बीपीएल कार्ड जो बन रहे हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन के लिए लोग आए हुए हैं,
और जो आयुष्मान कार्ड है उनके लिए यहाँ लोग आए हुए हैं, और बीके हॉस्पिटल से भी एक टीम आई हुई है जहाँ पे वो जांच भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए ये संकल्प यात्रा जो निकली हुई है, ये लोगों को अवेयर भी कर रही है कि हमारी क्या क्या कई, हालांकि पूरे क्षेत्र में हमारे पूरे वार्ड में लोग इस बात के लिए अवेयर है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने उनके लिए चला रखी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो यहाँ आके उनका लाभ ले सकते हैं। कैंप में सरकार की सभी योजनाओं का लोगों ने पूरा फायदा उठाया। सबसे ज्यादा लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना में नए गैस कनेक्शन लिए। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार गरीब लोगों का ख्याल रख रही है। योजनाओं के लाभ के अलावा स्वास्थ्य कैंप में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की मुफ्त जांच कराई और डॉक्टरों की सलाह ली। यहाँ पे गैस कनेक्शन के लिए आई थी और मेरा यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, सब ओके हैं, उन्होंने जमा कर लिए हैं और ये कनेक्शन के लिए 2-4 दिन में फोन करेंगे, एजेंसी से बुला लेंगे। मैं ये मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे गरीबों के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। बहुत फायदा हुआ, एक्चुअल में हमारे में किसी के नाम अभी था नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होती थी इस बारे में, तो ये मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे गरीबों के बारे में वो सोच रहे हैं। मैं गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किए हैं, मैंने फॉर्म मैंने दे दिए हैं और उसके बाद जब सिलेंडर मिलेगा तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमें तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा हमें तो, क्योंकि वहाँ चूल्हा जलाते थे उससे बचत हो जाएगी, आँखों में भाई जो पानी आता है धुआं होता है सब बचत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई आपको जल्दी मिल जाएगा सिलेंडर, और इन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा आप यहाँ आए जो भाई लेने के लिए। तो मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है और हमें बहुत अच्छा, हम तो वोट भी मोदी को देंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको सिलेंडर भी अब कंट्रोल रेट में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, कंट्रोल रेट में मिलेगा, तो डबल फायदा हुआ, बहुत डबल फायदा हुआ। मैं सर जो गैस कनेक्शन है मेरा नहीं था, तो यहाँ पे मैं कैंप में आया, मैंने अपने दस्तावेज जमा कराए, तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि दस्तावेज चेक करके आपके यहाँ पे दोबारा आपका कनेक्शन आपको मिल जाएगा अगर दस्तावेज सही है। अच्छा, आपके दस्तावेज सही हैं? हाँ जी मेरे दस्तावेज सही हैं, तो उन्होंने कहा फिर भी एक बार चेक करके सारा आपको हफ्ते में या 4-5 दिन में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आपको कनेक्शन मिलता है तो इसको लेकर सरकार को क्या कहना चाहिए? सर मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के जो फरीदाबाद के जो निवासी जिन्होंने कैंप लगवाया उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ये काम करवाया तो कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही कैंप में काम हो गया। और जो ये सभी लोग आए हैं इस कैंप का आज लाभ ले रहे हैं, सरकार तो देखो अपने तरफ से पूरी पहल करती है जन जन तक पहुंचने की, आज जो एक नया कदम बढ़ाया है जितना आगे बढ़ेगा उसमें हमारी भी कुछ सेवाएं हैं, कुछ आपका सहयोग होगा, जैसे जैसे लोग आएंगे उनका भला होता ही जाएगा। भारत गैस एजेंसी के इंचार्ज कृष्ण कुमार ने कहा कि पात्र लाभार्थियों के कागजात चेक कर उज्ज्वला गैस योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए जा रहे हैं। भारत सरकार की गरीब लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी योजना है। वहीं बीजेपी के जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ राधे श्याम भाटिया ने कहा कि कैंप में आने वाले तमाम लोगों की मदद की जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार का, मनोहर सरकार का, मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ में कृष्ण पाल गुर्जर जी का, सीमा त्रिखा जी का, जिन्होंने इस तरीके के कैंप लगवाए जिससे सरकार आपके द्वार जगह घर घर में सुविधा मिल रही है, क्योंकि पहले बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ अलग अलग किस्म के हमने कैंप लगा रखे हैं। वहाँ पर सिरे पर आपका आधार कार्ड की किसी को प्रॉब्लम है, फाइनेंस बैंक की किसी को प्रॉब्लम है, पेंशन की किसी को प्रॉब्लम है, पेंशन का अलग बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड का अलग बना हुआ है, और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमारे पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आयुष्मान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ सॉल्व। विकसित भारत संकल्प यात्रा से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सीएम मनोहर लाल की पहल की हो रही तारीफ।
संकल्प यात्रा में हर किसी को मिल रहा लाभ। आसानी से हो रहे सालों से अटके काम, विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी काम पूरा होने की गारंटी। रेवाड़ी जिले में मोदी की गारंटी वैन गांव गांव जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा रही है। रेवाड़ी जिले के लधुवास, अहीर, गंगाईचा, अहीर, बालधन खुर्द, बटौड़ी, सावन और बधराना में यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि कार्यक्रम में अलग अलग तरह के सेवाओं से लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को वंचित लोगों तक पहुँचाने के लिए शुरू की गयी है। कि जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, वो हमने पहले भी प्रयास करके उसको किया है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो। इनके गांव में भी बताया कि आपके गांव में कितना लाभ, किस किस को क्या क्या मिला है, और जो लोग छूट गए हैं, जो लोगों के पास जानकारी नहीं थी अज्ञानता के कारण से, उन सब के पास मोदी जी ने ये गारंटी की गाड़ी भेजी है। और यहाँ सब विभाग के लोग आए हुए हैं और हमने यहीं लोगों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया है। और ये आप खुद देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है, लोग अपना काम करा रहे हैं, हम बुला बुला के उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान अभी आपके सामने मौके पर भी करा रहे हैं। लाधुवास अहीर और गंगाईचा अहीर में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। अरविंद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, जिससे अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है तो वो यात्रा के दौरान अपने गाँव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। 2047 तक हमें मिलकर भारत को आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाना है। पंच प्रण यानी के गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत का सम्मान, महापुरुषों, लोक कलाओं, परंपराओं पर गौरव, एकता का संकल्प और नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन का पालन करना होगा। देश की 140 करोड़ आबादी अगर पंच प्रण के अनुरूप राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करे तो हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत विकसित का सपना का संकल्प हमने जो है अभी आपके सामने सबको संकल्प दिलाया है कि देश की आजादी के जब 100 साल होंगे 2000, आज विश्व की इकोनॉमी में हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँच गए, आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम 3रे नंबर पर पहुँच जाएंगे। और जो संकल्प है विश्वगुरु बनने का, विश्वगुरु की तरफ बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़े हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, और 2047 तक विश्वगुरु ही नहीं बनेंगे, विकसित भारत ही नहीं बनेगा, पूरे विश्व का जो है सिरमौर भी बनेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जो है हर भारतवासी अपना काम कर रहा है, देश के निर्माण में योगदान दे रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा जयवीर योगी ने विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। संकल्प यात्रा के दौरान एलईडी वैन में सरकार की योजनाओं को दिखाया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने मन की बात लोगों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार की अंत्योदय, उत्थान और कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। वहीं जन प्रतिनिधि भी पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की पहल को समाज के विकास के लिए अच्छा बता रहे हैं। सरकार की तरफ से जन संवाद का प्रोग्राम रखा गया था और बड़ा सौभाग्यशाली रहे हम कि सरकार के सभी डिपार्टमेंट यहाँ आके मौके पे हमारी जो जो शिकायतें थी, कोई फैमिली आईडी की थी, कोई पहचान पत्र की थी, फसल बीमा की थी, बहुत सारी योजनाओं के सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए थे और उन्होंने मौके पे ही समाधान किया। गांव वालों को रेवाड़ी नहीं जाना पड़ा या बाहर धक्के नहीं खाने पड़े, वो हमारे घर आके गांव में आके ही हमारा कार्य कर देंगे। हरियाणा में इस यात्रा को जन संवाद से जोड़ा गया है, जिसके तहत जनता की समस्याओं और शिकायतों को अधिकारी मौके पर ही निपटा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।